दोस्तों इस तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की खराब हालत देखकर एमएस धोनी गुस्सा हो गए। दरअसल रोहित शर्मा जिस चीज पर गुस्सा हुए वो थी रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, और वहीं एमएस धोनी भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा हुए। एमएस धोनी ने इन सभी को टारगेट करते हुए एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी है, जिस पर रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ियों का भी रिएक्शन आया हुआ है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरा मामला, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं और उस चीज से रूबरू भी करवाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेल रही है। पहले दो टेस्ट मैचेस में तो टीम इंडिया ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की काफी बुरी हाल हो चुकी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया है उस हिसाब से वो उस चीज के लायक भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम अपने पहले पारी में 109 रन पर ऑल आउट हो गई, और वहीं भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में मैच 165 रनों में ऑल आउट हो गई, जो कि टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका दे गया। टीम इंडिया से इतनी खराब बल्लेबाजी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोस्तों इस खराब परफॉर्मेंस पर एमएस धोनी का भी रिएक्शन आया हुआ है। एमएस धोनी इन सब पर रिएक्ट करते हुए बोले कि वाकई में टीम इंडिया की इसमें खराब परफॉर्मेंस है, खासकर रोहित शर्मा को इसमें काफी अच्छी कैप्टेंसी करनी चाहिए, और वो थोड़ा भारतीय बल्लेबाजों को रुक कर खेलने के लिए बोले, जिस चीज को सारे प्लेयर्स ने एक्सेप्ट किया और खुद में सुधार करने के लिए खुद से वादा भी किए। दोस्तों बाद में एमएस धोनी ने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, क्रिकेटर्स को अपने गेम पर फोकस करना चाहिए।